आपने रात के अंधेरे में लालटेन जलता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दिन के उजाले में लालटेन जलता हुआ देखा? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। तस्वीर है उत्तर प्रदेश की बागपत की, जहां दिन में लालटेन लेकर हाईवे खोजने निकल पड़ा पूर्व फौजी। दरअसल रिटायर्ड फौजी दिल्ली सहारनपुर हाईवे के खेकड़ा से लोनी के हिस्से की जर्जर हालत पर जिम्मेदारों का ध्यान खींचने के लिए अनोखा तरीका अपना रहा है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुखौटा है और दूसरे हाथ में लालटेन, और तलाश हो रही है अच्छी सड़क की, और कोशिश हो रही है हाईवे पर बने गड्ढों को दिखाने की। अब इस शख्स के अनोखे विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही अनोखा प्रदर्शन पूरे इलाके में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इस पूरी समस्या को लेकर इस शख्स का कहना है कि सड़कों को लेकर किए गए दावे बागपत में फेल हो गए हैं। हाईवे के निर्माण की धीमी गति हो रही है और यहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार वो इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखना होगा पूर्व फौजी के इस अनोखे प्रदर्शन से कब जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।